नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज गैरेज। खेल जगत से आ रही एक बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह है कि इंडियन प्रीमियर लीग को फिलहाल एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया है। बीसीसीआई की बैठक हुई, इस बैठक में इसका फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बीसीसीआई द्वारा ये पहल की गई है कि फिलहाल एक हफ्ते के लिए आईपीएल को स्थगित किया जा रहा है, क्योंकि आए दिन खिलाड़ियों की जान को जोखिम में डालकर इंडियन प्रीमियर लीग को अंजाम दिया जा रहा था। इसलिए आज ये बैठक ली गई और बैठक के बाद ये कड़ा फैसला लिया गया है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के 14वें एडिशन को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें एडिशन को फिलहाल के लिए स्थगित करने का फैसला लिया गया है। कुछ देर पहले बीसीसीआई के अधिकारियों की बैठक खत्म हुई। आईपीएल का आज का मैच भी नहीं होगा, ये पहले बता दिया गया था। बाकी का फैसला अगले सप्ताह किया जाएगा। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इस बात की जानकारी दी है कि इस सीजन के लिए टूर्नामेंट को स्थगित करने का फैसला किया गया है। मंगलवार दोपहर शुक्ला ने एएनआई को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लगातार सामने आ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए बोर्ड ने यह कड़ा कदम उठाया है। इस सीजन के लिए आईपीएल को स्थगित करने का फैसला ले लिया गया है। गौरतलब है कि सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद सोमवार 3 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के मुकाबले को स्थगित करने का फैसला लिया गया। मंगलवार को सुबह चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले मुकाबले के स्थगित होने की जानकारी सामने आई। मंगलवार को ही शाम होने वाले मैच से पहले सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर रिद्धिमान साहा के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर मिली। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज अमित मिश्रा भी कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं। इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को हार्ड क्वारंटाइन रखा गया है। बढ़ते कोरोना के प्रादुर्भाव को देखते हुए बीसीसीआई द्वारा ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। खिलाड़ियों के हित में फैसला लिया गया है ताकि पूरे के पूरे खिलाड़ी सुरक्षित रहें और आने वाले टाइम में इस मैच का मजा भी लिया जा सकता है। अगर सारी चीजें अच्छी रही, कोरोना दूर रहा, कोरोना इस देश से खत्म होता है तो जल्द ही फिर आईपीएल शुरू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी एक खबर आई है कि आईपीएल को एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया है। हो सकता है कि शायद लोग अभी चुनाव के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे चुनाव खत्म हुए, रिजल्ट आने शुरू हुए, उसके बाद अब केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की नींद खुली है, उसके बाद ये फैसला लिया जा रहा है कि अब कोरोना के ऊपर ध्यान दिया जाए ताकि देश को बचाया जाए। अगर ये फैसला थोड़ा पहले ले लिया जाता तो शायद आज जो हालत देश की है वो देश की हालत नहीं रहती। फिलहाल तो बड़ी खबर ये है कि आईपीएल को एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया है। आप बने रहिए द न्यूज गैरेज के साथ।